नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। भीमगजा प्राचीन जैन मंदिर समूह गडरमल मंदिर देखने पहुंचे कलेक्टर। मध्य प्रदेश के विदिशा अंतर्गत पठारी में कलेक्टर बडोह के स्मारकों को देखने पहुंचे। कलेक्टर ने नगर में इतिहासकारों और गाइडों की जरूरत के साथ पर्यटकों को आकर्षित करने के हुनर बताए। गडरमल मंदिर तक सड़क और पूरा स्मारकों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन पठारी के पुराने स्मारकों को देखने पहुंचे। उन्होंने भीमगजा प्राचीन जैन मंदिर समूह गडरमल मंदिर और सप्तमातृका गुफा का अवलोकन और निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने इन वैभवशाली मनमोहक स्मारकों की सुंदरता की जमकर तारीफ की। कलेक्टर ने कहा कि यह स्मारक 8वीं-9वीं सदी की वैभवता की गवाही दे रहे हैं। इस दौरान पर्यटक स्थल घोषित करने के सवाल के जवाब में कलेक्टर पंकज जैन ने कहा कि पर्यटक का दर्जा देने मात्र से पर्यटक नहीं आएंगे। आप सबका सहयोग और यहाँ जो ग्राम पंचायत है उन्हें पर्यटकों को लुभाने के लिए सुविधाएं जैसे साफ सफाई आदि की आवश्यकता भी होती है, जो आप सभी को सहयोग करके कराना है। इस अवसर पर SDM आरती यादव, डॉक्टर पी के मिश्रा, प्रभारी तहसीलदार CK ताम्रकार उपस्थित थे। जिला विदिशा तहसील पठारी से नेत्राम साहू के साथ आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। उसके लिए हम अगले हफ्ते मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन पर्यटन का दर्जा देने के लिए आपको 2-3 चीज़ें खुद उस गांव में एज अ सोसाइटी में हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। उसको भी हम अभी आगे बढ़ के उसमें काम करेंगे और आपका सहयोग रहेगा तभी। क्योंकि कई बार आपने जैसे पूछा ना पर्यटन का दर्जा दे दो, ठीक है मैंने आज लिख दिया चलो पर्यटन का दर्जा है, इससे आपका क्या पर्यटक आ जाएगा। उसके लिए ये है कि जो चीज़ें होता है उनका रख रखाव और साफ सफाई कोई भी पंचायत या पंचायत कर्मी सिर्फ अकेले नहीं कर सकता है, आपका सबका इसके साथ साथ जो स्थान है उसको हमें और वेरीफाई करके और आपका सहयोग रहेगा उसको साफ सफाई। जैसे तालाब है, तालाब के पीछे जो इधर बना है रोड RES ने बनाया था जिसने बनाया था, उसके पीछे जो कूड़ा डालना है उसको हमें रोकना, बहुत सारी चीज़ों को साफ करेंगे। अलग